नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं डेली न्यूज 360.com। उत्तर पूर्व की खबरों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अदालत ने 15 साल पुराने धेमाजी विस्फोट के मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास जबकि 2 लोगों को 4-4 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि उग्रवादी समूह उल्फा ने 2004 में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के मौके पर धेमाजी कॉलेज में परेड ग्राउंड में बम विस्फोट कर दिया था, जिसमें 10 स्कूली बच्चे समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि ये धमाका इतना बड़ा था कि 40 से अधिक लोग इस धमाके में घायल भी हुए थे। धेमाजी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखराम दास ने फरार चल रहे उल्फा सदस्य राशिद भराली, जतिन दुबोरी उर्फ रंगमन, गोगोई खान, दीपांजलि गोहेन और मुही हंदीक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन 5 दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत भुइया और होमन गोगोई को 4-4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुना दी गई है। उन पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। सूत्रों की माने तो राशिद भराली, जिसे विस्फोट का मास्टरमाइंड माना गया था, वो उल्फा इंडिपेंडेंट के मुख्य कमांडर परेश बरुआ के साथ छिपा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अदालत ने जया, अप्सरा बरुआ, गोविंद कलिता, जॉय चंद्र, मीन बरुआ, जितेन, चंद्रनाथ गोगोई और मोहन को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से अब तक विस्फोट पीड़ितों के जो परिजन हैं, उनको मिलाकर 77 गवाह अदालत के सामने पेश किए जा चुके हैं। वहीं अदालत को इस जो ये मामला है, इसमें 20 जून को अपना फैसला सुना देना था, लेकिन एक दुर्घटना में बचाव पक्ष के जो वकील हैं उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से इस मामले को टाल दिया गया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 15 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। आपको बता दें कि अदालती कार्रवाई के दौरान इन 15 में से 14 आरोपी, शोक संतप्त परिजन और गवाह अदालत में मौजूद थे। 2004 में धेमाजी कॉलेज के परेड ग्राउंड में उस वक्त विस्फोट हुआ जब ग्राउंड में तिरंगा फहराया जाने वाला था। ये विस्फोट सुबह करीब 9 बजे हुआ था, जिसमें 10 मासूम स्कूल के बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। ज्यादातर मृतकों में बच्चे और उनकी माँ शामिल थे। तो ये थी डेली न्यूज 360.com की एक स्पेशल रिपोर्ट। इसी तरह की अन्य खबरों पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी के साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।